प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हुमा नाम की लड़की की दर्द भरी कहानी सुनाने वाले हैं, जिसके साथ उसके घर वालों ने वो सलूक किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो में बोला गया नाम बदला हुआ हो सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक दुखी औरत की है जिसका नाम हुमा है। हुमा कहती है कि मेरी उम्र 55 साल है। जब मैं तकरीबन 14 साल की थी तो अब्बा जान दुनिया से चले गए, यानी उनका इंतकाल हो गया। मैं, मेरी अम्मी और दो छोटी बहनें और दो भाई, हम 6 लोग घर में बचे। मेरे सब रिश्तेदारों ने हमारा 1 साल तक तो साथ दिया, फिर वो हमें छोड़ गए। मैं 8वीं क्लास में थी और मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया। अम्मी के इंतकाल के बाद हमारे घर में सिर्फ हम 5 बहन भाई रह गए। हम लोग ठोकरे खाने लगे। जब अम्मी जिंदा थी तो वो कपड़े सिलाई किया करती थी और साथ में लोगों के घरों में काम भी करती थी। चाहे कुछ भी था, अम्मी ने कभी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। लेकिन अम्मी के इंतकाल के बाद महसूस हुआ कि खून के रिश्ते कैसे खून के प्यासे हो जाते हैं। जो अम्मी के होते हुए कभी हमें बेटा बेटा कहा करते थे, अम्मी की आंखें बंद होने की देर थी वो हमको जानवर समझने लगे। मेरी छोटी बहन जो सबकी लाडली थी, अम्मी के बिना एक पल ना रहती थी। लेकिन अम्मी के जाने के बाद वो ज़िद्दी हो गई। वो दरवाजे पर खड़ी रहती और हर आने जाने वाले से पूछती कि मेरी अम्मी को तो नहीं देखा। हुमा बताती है कि मैं उसे गोद में उठाकर बहुत समझाती, लेकिन मेरी छोटी बहन कभी रात को उठकर रोने लगती कि मुझे अम्मी के पास जाना है। मैं भी रोया करती, या तो अम्मी मुझे भी आती थीं। हुमा आगे कहती है कि मेरे दोनों भाई और एक बहन स्कूल जाते थे, लेकिन चाचू लोगों ने ये कहकर उनका स्कूल छुड़वा दिया कि हम तुम लोगों का खर्च पूरा नहीं कर सकते, ये कोई काम सीख लेंगे तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मैंने चाचू से कहा कि मैं कॉलेज जाना छोड़ देती हूँ, लेकिन इनको पढ़ने दो, मगर वो ना माने और सबका स्कूल छुड़वा दिया गया। इसके बाद वो एक भाई को गाड़ी धोने वाली की दुकान पर छोड़ आए और एक को वेल्डिंग की दुकान पर। एक रात वो दोनों भाई बहुत रोए। मैं खाना बनाकर आई तो छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा था कि मेरी कमर पर तेल लगा दो, दर्द हो रहा है, देखो कितने निशान बने हैं। मैं उनकी सब बातें सुन रही थी। बाद में भाई बोला, बाबा होते तो मैं उन्हें बताता कि मुझे उस्ताद ने कितना मारा है। मैंने चाचू को बताया तो उन्होंने भी मुझे थप्पड़ मार दिया। दोनों भाई रो रहे थे तो मेरा दिल फट गया। मैं उनके पास गई, देखा कि काम सिखाने वाले ने किसी गलती पर उन्हें बहुत मारा था। अभी काम करने की उनकी उम्र ही कहाँ थी। मैंने दोनों से कहा कि कल से तुम स्कूल जाओगे, तो दोनों भाई मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, बाजी चाचू मारेंगे। मैंने उनको तसल्ली दी कि अब तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। छोटी बहन, जिसे चाची ने नौकरानी बना रखा था, सारे काम करवाती थी, झाड़ू बर्तन सब करवाती थी, उसको भी मैंने पढ़ाने का इरादा किया। आगे हुमा कहती है कि दूसरे दिन मैंने तीनों बहन भाइयों को साथ लिया और स्कूल दाखिल करवाने चली गई। जब चाचू को पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैं 20 साल की हो चुकी थी। चाचू मुझे बकने लगे कि तेरी ये मजाल के घर से बाहर जाएगी। मैंने चाचू को जवाब दिया, आपको मेरा बाहर जाना बुरा लगा, लेकिन जब मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी तब तुम्हारी गैरत कहाँ थी। चाचू ने मुझे बहुत मारा, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। मेरी माँ जिनके घर में कामकाज करती थी वो लोग अमीर थे। मैंने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने बेटी समझकर मेरी मदद की और केस फाइल करके हमें घर में हिस्सा लेकर दिया और मुझे अपने ऑफिस में कुछ पढ़ने लिखने के लिए रख लिया। मुझे जॉब मिल गई। चाचू लोगों से जान छुड़ाकर मैंने अपने बहन भाइयों को स्कूल में दाखिल करवाया। मैं कमाने लगी। मेरी चाची ताई सब खानदान वालों ने मुझे बहुत बदनाम किया। मुझ पर तरह तरह के गंदे से गंदे इल्ज़ामात लगाए गए। मुझे बदचलन मशहूर कर दिया गया। खानदान के सब लोग मुझे बुरी लड़की समझते थे, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त कर गई सिर्फ भाई और बहनों के लिए। मैं उनको रोता नहीं देख सकती थी। मैं छुप छुप कर बहुत रोती थी माँ बाप को याद करके। बहनें जो कुछ मांगती थीं मैं एक लफ्ज़ पर उनको लाकर देती। भाइयों को हर सहूलत दी।
भाई कॉलेज जाने लगा तो उसने मुझसे बाइक की फरमाइश की तो मैंने बाइक लेकर दे दी। वो अंकल जिनके ऑफिस में मैं काम करती थी वो मुझे सदका ज़कात भी दे दिया करते थे। हुमा आगे बताती है कि मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए थे, कुछ अंकल ने दिए और मैंने अपना घर बनवा लिया। फिर मेरे ख़ानदान के लोगों की ज़ुबान पर यही था कि मैं गलत काम करती हूँ जो इतने पैसे कमाती हूँ, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं अपने अल्लाह ताला के सामने पाक दामन थी। एक भाई को वकालत में दाखिला दिलवाया, छोटी बहनें भी स्कूल जाती रहीं, वो खाना वगैरह बना लेती थीं, हर चीज़ जो कहती मैं लाकर देती, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छे कपड़े। मेरे लिए बहुत से रिश्ते आए, बहुत नेक लोगों के भी और अमीरजादों के भी, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी थी। मैं अपने बहन भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। फिर एक भाई और एक बहन की शादी कर दी। बहन का शौहर बैंक में जॉब करता था, माशाल्लाह वो अपने घर में खुश है और उसके 5 बेटे हैं। लेकिन जो भाई वकील बना उसने चाचू की बेटी से शादी कर ली। मुझे दुख नहीं था कि जो चाचू हमें मारता रहा, जलील करता रहा, उसकी बेटी से शादी कर ली। आखिर बेटी का क्या कसूर था, भाई की पसंद थी, जिद करता रहा तो मैं मना ना कर सकी। लेकिन अब वो जवान हो चुका था और मैं मजबूर हो गई, भाई की शादी चाचू की बेटी से करवा दी। लेकिन फिर ये हुआ कि ताया के बेटे से मेरी छोटी बहन की शादी करनी पड़ी। दोनों भाई कहते थे कि ताया का बेटा इंग्लैंड में है, बहन खुश रहेगी। मैं भी तो सबकी खुशी चाहती थी, सबके घर आबाद थे, सब अपनी खुशी में खुश थे। भाई अच्छे पैसे कमाने लगे और फिर मुझसे कहने लगे कि बाजी जॉब छोड़ दो। हुमा कहती है अब हालात देखकर मैंने जॉब छोड़ दी। मेरे अलावा सब बहन भाई चाचू ताया के घर जाते हैं। चाचू ताया लोग मुझसे अब भी बात नहीं करते, आज भी नफरत करते हैं मुझसे, आज भी गलत समझते हैं। लेकिन अब हालात कुछ और हैं, दोनों भाई अब चाचू लोगों की ज़ुबान बोलते हैं, मुझसे बिना बात पर झगड़ते हैं और फिर कभी खुद आकर माफ़ी भी मांग लेते हैं। बहनें तो अपने घरों में खुश हैं, मैं भी उनकी खुशी में खुश हूँ, लेकिन मेरे भाई की बीवियाँ मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करती। उनकी औलाद जवान है लेकिन वो अपने बच्चों को मुझसे दूर रखती हैं। मैं एक कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ, नमाज अदा करती हूँ, खाना देते हैं तो खा लेती हूँ। उन्होंने मेरे जिम्मे लगा रखा है कि तीनों टाइम के बर्तन धोना, घर की सफाई करना। भाई कभी तल्ख कलामी करते हैं, मैं सोचती हूँ कि काश अपना घर बसा लेती तो आज ये सब नहीं होता। खैर बहन भाई खुश हैं, आबाद रहें, मेरा क्या है, क्या पता कब मर जाऊँ। बस एक पछतावा ये है कि शादी कर लेती, अब वक्त गुजर गया है, अब जैसे भी हैं सासे गुजारनी पड़ेंगी। दोस्तों ये कहानी एक 55 साल की औरत की है। अगर कोई बहन या भाई अपने छोटे बहन भाई के लिए कुछ करता है तो आखिर में उसको सिला नहीं मिलता, आखिर में उसको यही कहा जाता है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। और दूसरी एक हकीकत ये है कि औरत कभी इस मुआशरे में अकेली नहीं रह सकती, उसे शौहर की ज़रूरत पड़ती है। कभी औलाद छोड़ देती है तो अपने शौहर के सहारे जी लेती है। आजकल के दौर में अगर खुदा ना खास्ता किसी को तलाक हो जाए या कोई औरत बेवा हो जाए तो उसके लिए दूसरी शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या वो खुद से नहीं करती। लेकिन बाद में वक्त गुजरने के साथ उसे एहसास होता है, जब लोगों के रवैये देखती है तो कहती है काश मैं शादी कर लेती। दोस्तों अपने माँ बाप बहन भाइयों की इज्जत करें, उनका ख्याल रखें, वो हमारे लिए वो सब कर जाते हैं जो कोई इंसान हमारे लिए नहीं करता।